राजस्थान में चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए कुछ जगहों की तस्वीरें। अधर में है आचार संहिता, 3 दिन बाद भी नहीं हुआ लागू। पोस्टरों से अटे पड़े हैं शहर, अधिकारी कर रहे हैं दावा कब हटेंगे रेगिस्तान से पोस्टर। 4 अक्टूबर की शाम को चुनाव आयोग ने जैसे ही राजस्थान में चुनावी बिगुल बजाया, राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई। लेकिन 3 दिन बाद भी रेगिस्तान के शहरों में सरकारी योजनाओं और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर चौक चौराहों पर लगे हैं। अलवर में हर गली मोहल्ले में अब भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, लेकिन जिस अधिकारी पर इसे हटाने की जिम्मेदारी है उनकी क्या दलील है, जरा सुनिए। कल नवरात्र स्थापना की वजह से और करणी माता मेले के में लोगों की वहां जाने की वजह से सारी टीम वगैरह वहीं पे थी, तो नहीं थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन आज सुबह हमने 8 बजे से इस टीम को लगा दिया है और हटाने में वो कार्य अब लगी हुई है। अब जरा आप नागौर की तस्वीर देखिए। अधिकारी पोस्टर हटाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अब भी पोस्टर्स में मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विधायक मुस्कुरा रहे हैं। बैनर्स है, पोस्टर्स है, वो सारे के सारे हटाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में वहाँ का जो ईओ नगर पालिका है उसको यह दायित्व दिया गया है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो पीडीओ है वे इसका पूरी तरह से पालन करेंगे। बांसवाड़ा में भी चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर में लगे बैनर्स चीख चीख कर सरकारी योजनाओं का बखान कर रहे हैं। दौसा में भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। सरकारी योजनाओं के पोस्टर्स अभी तक नहीं हटे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जिले के अधिकारी से शिकायत भी कर चुके हैं, बावजूद इसके आचार संहिता के पालन में देरी हो रही है। अलवर से रजनीकांत, दौसा से महेश शर्मा, बांसवाड़ा से कुलदीप, नागौर से शब्बीक और झालावाड़ से महेश परिहार, समय राजस्थान।